हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन स्कूल, जहां पर मैं और आप मिलकर बनाएंगे टेस्टी डिशेस और शेयर करेंगे हमारी कुकिंग जर्नी। दोस्तों, आज हम साउथ इंडिया की एक पॉपुलर स्नैक रेसिपी बनाएंगे, जिसे आपने काफी बार स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे खाया होगा। जी हाँ, अगर आपने गेस किया है तो सही गेस किया है। आज हम बनाएंगे मिर्ची भाजी, लेकिन इसे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। स्टफ मिर्ची भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार पिकाडोर लिया है, जिसे सेंटर में से लेंथ वाइज कट करके उसका सीड्स रिमूव कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है, जिसे बॉईल करके उसका स्किन रिमूव करके रखा है। अब मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्ट। यहाँ पे मैंने दो ग्रीन चिली चॉप करके लिया है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, एक टेबलस्पून राइस फ्लोर, ये भाजी को क्रिस्पी बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा करी लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को मैंने चॉप करके रखा है, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर और एक टीस्पून चाट मसाला लिया है, और एंड में ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम मिर्ची भाजी की फिलिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो बॉइल्ड पोटैटो हमने लिया था, उसे मैश करके एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और इस तरह से हाथ से उसे थोड़ा और मैश करेंगे, ताकि जो लम्स इसमें है वो निकल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली पाउडर और चाट मसाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये फिलिंग रेडी हो चुकी है, अब इसे हम चिलीज के अंदर स्टफ करेंगे। तो यहाँ पे चिली को जहां से हमने कट किया था वहां से स्प्रेड करेंगे और उसके अंदर फिलिंग को स्टफ करते जाएंगे। इसी तरह से बाकी सारी चिलीज में भी हम पोटैटो का मिक्सचर स्टफ करेंगे। ये चिलीज अब स्टफ हो चुकी है, अब हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, जिसमें ऐड करेंगे बेसन, फिर उसमें जाएगा राइस फ्लोर, अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर और फिर इसमें डालेंगे हम चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में कहा था, अगर आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स और करी लीव्स, फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर रेडी करेंगे। यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब इसे साइड में रखेंगे और गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए बिठा देंगे। अब स्टफ किया हुआ चिलीज लेंगे और उसे प्रिपेयर किए हुए बेसन के मिक्सचर में डिप करके अच्छे से कोट कर लेंगे। तेल यहाँ पे अभी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मिर्ची को एक एक करके डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। इसे हम हाई मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हमारी मिर्ची भाजी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। इसी तरह के मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।